उत्तर प्रदेश के संभल जिले में रविवार को शाही जामा मस्जिद का सर्वे किया गया। इस दौरान यहां हिंसा भी भड़की, जमकर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में आग लगा दी गई और इस बीच जानकारी सामने आई कि संभल हिंसा में 4 लोगों की जान चली गई। परिवार का आरोप है कि पुलिस ने युवक को गोली मारी है। मृतक का नाम नईम खान है और वो 32 साल का था। परिवार का आरोप है कि 11 बजे सीओ की मौजूदगी में पुलिस ने गोलियां चलाई और एक गोली नईम को जाकर लगी और उसकी मौके पर ही मौत हो गई। नईम की मां ने मीडिया के सामने आकर प्रशासन पर खुला आरोप लगाया है। उन्होंने कहा, नईम प्रदर्शन में शामिल नहीं था, वो अपनी दुकान की तरफ रिफाइंड लेकर जा रहा था। गोली लगने के बाद नईम को अस्पताल ले जाया गया और उसकी मौत हो गई। वो बुलेट पर गया था, दुकान पर उसकी बुलेट खड़ी है। मस्जिद के बहुत दूरी से जाकर पुलिस ने गोली मारी है। मेरे बच्चे को पुलिस ने गोली मारी, पुलिस ने मेरे बच्चे को लूट लिया, नईम को गोली मारकर फेंक दिया गया। सरकार से मैं अब क्या कहूं, मेरा तो सब लूट गया। इस पूरी हिंसा में अब 4 लोगों की जान जा चुकी है। मृतकों के नाम नईम खान, बिलाल और नोमान है। चौथे मृतक का नाम सामने नहीं आया। सभी मृतकों का पोस्टमार्टम कराया गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि तीनों लड़के हिंसा के समय मस्जिद के पीछे वाली सड़क पर मौजूद थे, जहां पर आगजनी और पत्थरबाजी हो रही थी। पुलिस की गोलीबारी में तीनों की मौत हो गई। आपको बता दें कि संभल में रविवार को करीब 1000 लोगों की भीड़ ने जमकर उत्पात मचाया। पुलिस टीम पर पत्थरबाजी हुई, गाड़ियों में आग भी लगा दी गई। उपद्रवियों को काबू में करने के लिए पुलिस को उन पर लाठीचार्ज करना पड़ा। आंसू गैस के गोले भी छोड़ने पड़े। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।